कीमा बनाने के लिए मैंने लिए एक कटोरी ये सोयाबीन, इस तरीके जो सोयाबीन की बरी रहती हैं। और अब इसमें क्या है, मैं गर्म पानी डाल देती हूँ और इसे 10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। अब ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए और कितने अच्छे से फूली है, डबल हो गया लगभग इनका साइज। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी थोड़ी लेंगे और इनका पूरा पानी निकाल देंगे इस तरह से, क्योंकि हम पानी निकालेंगे तभी तो इसमें सब मसाले हमारे इसमें मिक्स होंगे। और इसी तरह से सब निकाल के एक बाउल में रख लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें ये डाल देंगे सब, इसमें सब डाल देंगे और इनको हम थोड़ा बारीक सा पीस लेंगे, पर पानी नहीं डालना हमें इसमें। ये देखिए इस तरह का दरदरा हमने पीस लिया है, ज़्यादा बारीक की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। अब इसे एक साइड में रख देते हैं और आगे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेते हैं, इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालें और इसे अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग, इन दोनों को भी अच्छे से भून लेते हैं। और साथ में मैं डाल दूंगी इसमें, मैंने 2 हरी मिर्च और 1 गांठ लहसुन की वो छील के उसकी कली डाल दी है, और 1/2 इंच अदरक इसे दरदरा पीस लिया है, ये डाल देती हूँ उसके अंदर। इसका आप चाहें तो पेस्ट भी डाल दें, पर मैं इसमें हमेशा इसी तरह से दरदरा करके डालती हूँ, ये अच्छा लगता है। और इसे पहले हम एक में भून लेते हैं। मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज की कटी हुई प्याज, बारीक कट कर ली है मैंने। अब हम इस प्याज को गोल्डन कर लेते हैं, खूब अच्छे से भूनना है हमें, कि बिल्कुल भी इसमें कच्चापन ना रहे, जैसे ब्राउन कलर होता है ना बिल्कुल उस तरह से। और इसकी फ्लेम मैंने लो मीडियम आँच पे ही से हमें भूनना है, जिससे धीरे धीरे हमारी प्याज अच्छा सा इसमें जो मिठासपन रहती है वो आ जाए। ये देखिए हमारी प्याज बिल्कुल गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डालें इसमें, और 1/2 चम्मच मैंने लिया सौंफ का पाउडर, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सबको अच्छे से भून लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कितने अच्छे से हमारे मसाले भी इसमें भून गए हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 टमाटर को मैंने पीस लिया है बारीक करके, इसे डाल देती हूँ। टमाटर डाले तो साथ में डाल देती हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम अच्छे से इसे, जब तक ये हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ता, मीडियम आंच पे पका लेते हैं इसे। ये देखिए हमारे मसाले ने कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से परफेक्ट पक गया है। और अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद, और अब इसमें थोड़ा सा इस तरह से चला के इसे थोड़ा सा कूल कर देते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी अब 4 चम्मच दही, पर दही जो है ना खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से पका लेते हैं। पहले हम ये भी गैस नहीं जलाएंगे, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से चारों तरफ से, नहीं तो क्या है हमारा जो दही है ना वो फट जाएगा। अब ये देखिए कितने अच्छे से पकने लगा है हमारा मसाला। अब इसी समय मैं डाल दूंगी 1/2 कटोरी मटर, ये मेरी फ्रोजन मटर है, अगर आपके पास ताज़ा मटर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब ये डाल देते हैं इसके अंदर, देखिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे 1 मिनट इसी तरह से मैं भून लूँगी खुले में। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो मैंने कीमा बना के रखा था, ये हम इस सबको मिक्स कर देते हैं। और इसकी फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और अच्छे से मिला के इस तरह से, और 2-3 मिनट हम इन्हें भून लेंगे, जिससे कि हमारे इसमें कीमा में अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए मसालों का। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से मिक्स करके अच्छे से। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए 2-3 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है इसे,
और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप उबला हुआ पानी। पानी ना हमेशा इसमें उबाल के ही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे थोड़ा सा जैसे हम भाजी बनाते हैं ना पाव भाजी के साथ, उस तरह का हम तैयार कर लेंगे। अगर आप इसमें पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि ये सूखा सूखा है तो थोड़ा सा और डाल लें। और अब इसे हम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी ये अच्छे से कीमा तैयार हो जाए। देंगे 2 चम्मच देसी घी। अगर आप कम खाते हैं तो ना भी डालें, पर अगर आप इसमें इस तरह से थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे ना तो इसका जो टेस्ट है और बढ़ जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और 5 मिनट लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि जितने भी फ्लेवर हैं इसमें मसालों के सब अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हम इसी तरह से इसे पका लेते हैं। हमारी सब्जी को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें डाल देती हूँ खूब सारा हरा धनिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ खूब सारा हरा धनिया। सबको मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। और अब हमारा बेल सोया कीमा बनके बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसके साथ के लिए पाव तैयार कर लेते हैं। इस तरह के पाव ले लिए और इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं। तवे पे बटर डाल देते हैं, इसे थोड़ा सा पिघला लूँगी और फिर इस तरह से ना साइड में पाव सेक लेंगे हम इसी बटर में अच्छे से। और दोनों साइड से थोड़ा सा दबाते हुए सेक लेती हूँ। अब ये देखिए पाव भी अच्छे से सेक गए। अब हम निकाल लेते हैं इन्हें और अपनी ये सब सब्जी पूरा सर्व करते हैं। वेज कीमा बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक मसालेदार नई रेसिपी के साथ।